हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डेली डिस्कस में। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे 2 तारीख के जो करंट अफेयर हैं। तो पहला है इसमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसने व्यापार और निवेश से समझौता किया है भारत से। अभी ये समझौता चल ही रहा है और इससे रिलेटेड चीज़ें हम देख लेते हैं कि कितना व्यापार होता है और निवेश की क्या स्थितियाँ हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। तो 2021-22 में अगर देखें तो टोटल द्विपक्षीय समझौता जो व्यापार था वो करीब $116 बिलियन था और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भले से ही ये देश नहीं है, एक यूनियन है, लेकिन इसको पूरे इकट्ठे रूप में हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापार जो है पिछले एक साल में करीब 43% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर अन्य देशों से बात करें व्यापार का, तो यहाँ अमेरिका और चाइना की भी स्थितियाँ देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने में ही भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हमारा जो व्यापार भागीदार है सबसे बड़ा वो अमेरिका है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा ये भारत का जो आंकड़ा है वो गलत है और हम भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार हैं और हमने पिछले वर्ष में $125 बिलियन का भारत के साथ व्यापार किया। क्योंकि भारत ने कहा कि चीन के साथ हमारा व्यापार सिर्फ $115 बिलियन का हुआ और अमेरिका के साथ हमारा व्यापार $119 बिलियन का हुआ। तो अगर कभी देखिए क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हीं के आंकड़ों के बारे में बताना है, ओके, यानी कि अमेरिका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यहाँ पे हर साल जुलाई महीने में पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो 2 तारीख को पहला शनिवार था और इसी दिन मनाया गया सहकारिता दिवस। और 1923 में इसको पहली बार शुरू किया गया था और 1955 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से इसको मान्यता दे दी कि हमेशा इसको अब मनाया जाए। उसके अलावा 2 जुलाई को याद रखिएगा UFO दिवस भी मनाया जाता है। UFO क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आकाश में उड़ता हुआ कोई भी ऐसा चीज जैसे आपने फिल्मों में देखा है। UFO आपने फिल्म देखा होगा, कोई मिल गया जिसमें ऋतिक रोशन को एक आसमान से आया हुआ जो एलियन बोलते हैं उनका जो UFO होता है, जिस यान में बैठ के वो आते हैं उसी को UFO बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस, ये अभी तो नहीं मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा सितंबर महीने में, लेकिन अभी से ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये देख लीजिए, हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ओके। अभी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर पर अभियान चला रही है गवर्नमेंट और अभी से 75 दिनों का अभियान चलाएगी कि सागरों तट को सुरक्षित किया जा सके। और इसके अलावा याद रखिएगा एक ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है इको मित्रम, याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है इको मित्रम। समुद्र तट की सफाई के गतिविधियों हेतु स्वैच्छिक पंजीकरण के उद्देश्य से, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि समुद्र तट की सफाई करें और आप पंजीकरण कराना चाहते हैं अपनी तरफ से यानी स्वैच्छिक रूप से, तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ओके। और समुद्री गतिविधियों यानी कि समुद्री व्यापार से संबंधित गतिविधियों का पहली बार उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के काल में हुआ था। स्नैक आइलैंड के बारे में देख लीजिए, दोनों देश लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे रसिया है और इधर यूक्रेन है, तो ये आपका ब्लैक सी में पड़ता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं कब अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और डिटेल के साथ। तो फिलहाल अभी आइसलैंड स्नैक आइलैंड जो है वो है आपका ब्लैक सी में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंकड़ा बताया जा रहा 2030 से संबंधित, 2030 जो इन्वायरमेंट के से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत को 500 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन
याद रखिएगा, जी गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है, जैसे कि सोलर पैनल, विंड से जो एनर्जी बनती है, टाइडल से जो एनर्जी बनती है, ओके, इन सब चीज़ों को मिला के करीब 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना चाहता है भारत, ओके। एंड COP 26 ये आयोजित किया गया था ग्लासगो में, ओके। ग्लासगो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सूत्री जलवायु कार्यक्रम एजेंडा पंचामृत योजना प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में पूछे पंचामृत योजना कहाँ पे पेश किया गया था, तो ये ग्लासगो COP, ये COP क्या होता है, UNFCCC के हर साल जो मीटिंग होती है उसी को COP बोला जाता है, ओके। एंड 2030 तक 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना और 50% पूरा करने। अभी देखिए, जो हमारा अक्षय ऊर्जा की क्षमता है वो लगभग 50% तक पूरी कर ली गई है, ओके। एंड 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी लानी है। ये सभी टारगेट आपको याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। कितना कमी लाना है कार्बन उत्सर्जन में, 1 अरब टन की कमी लाना है। 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता में 25% की कमी भी लानी है। एंड 2005 का ये जो बेस ईयर रखा गया, उसको 2005 रखा गया है और कहा गया है 2070 तक शून्य उत्सर्जन करेगा भारत, ओके। अब यहाँ अगला है राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना के बारे में। अब इसको देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दिया गया है DBT से। अब सीधा प्रशिक्षुओं के अकाउंट में पैसे आएंगे और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भारत है वो ट्रेनिंग के मामले में बहुत ही पिछड़ा है। जापान में 10 मिलियन प्रशिक्षु हैं और जर्मनी में 3 मिलियन, अमेरिका में 0.5 मिलियन प्रशिक्षु, जबकि भारत में बहुत सारा कमी है इसकी। और 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को देखिए, ये क्या होता है प्रशिक्षु यानी कि अप्रेंटिस, आपने देखा होगा जो भी टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि IIT हो गया या फिर पॉलिटेक्निक हो गया, इन सब लोगों को अप्रेंटिस के लिए भेजा जाता है कुछ दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे पैसा खर्च करती है, उन कंपनियों को भी पैसा देती है जहाँ पे वो लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं, ओके। तो ये कार्यक्रम लाया गया, इसका नाम बदल दिया गया था राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना 2016 में। उसके पहले इसका नाम प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना मात्र था, ओके। तो अभी फिलहाल इसको DBT से जोड़ दिया गया है। अब ये देखिए, हरिकन आया। हरिकन आपको पता है कि चाइना और जापान के आसपास के क्षेत्रों में आता है और फिलहाल ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है टाइफून, ओके। आगे देखते हैं एक और, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था, ओके। एंड इसका जो हरिकन का नाम है उसका नाम है चाबा, तो चाबा नाम याद रखना आपको। चाबा हरिकन कहाँ है, चीन के तट पर है।